अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए बेटा मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल पहले दे दूंगा। जैसे आपके पास कोई सिस्टम है ए, ठीक है, या पार्टिकल ए है और मैं उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है बेटा। नाउ ये जो ये पार्टिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, नाउ कितने तरीकों से ये इस एनर्जी को एक्वायर करेगा, नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस पार्टिकल और सिस्टम कैन एक्वायर दिस एनर्जी। लाइक मैं आपको कह रहा हूं इस पार्टिकल में ये ट्रांसलेटरी मोशन भी दिखा रहा है, यानी कि ये लीनियरली मूव कर सकता है अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड। सो दैट मींस इट हैज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, यस अलोंग एक्स इट हैज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, अलोंग वाई इट हैज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी अलोंग जेड। ओके, बट इन एडिशन टू दिस ट्रांसलेटरी मोशन, मान लो ये पार्टिकल इस एक्सिस पे रोटेट भी हो रहा है, एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे एक रोटेशनल है। मान लो मैंने ऐसे एक्स एक्सिस के साइड से यहां से एक एक्सिस डाली, वहां से ये रोटेट भी कर रहा है लाइक दिस। सो दैट मीन्स इट हैज ऑल्सो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी अलोंग x x डैश, यानी कि ये वाली एक्सिस, बाकियों के थ्रू नहीं है, खाली एक एक्सिस के थ्रू ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस। सो आप मुझे बताओ ट्रांसलेटरी मोशन कितने डायरेक्शंस में है इसके, तीन, x y एंड z। अच्छा रोटेशनल भी किस साइड से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है ना एक एक्सिस के थ्रू। सो दैट मींस अगर मैं इसको बेटा एनर्जी कुछ दे रहा हूं, मान लो 10 जूल की एनर्जी मैं इस सिस्टम को दे रहा हूं, नाउ ये 10 जूल की एनर्जी कितने तरीकों से इस सिस्टम में ये एक्वायर कर सकता है, ऑब्वियसली ये 10 जूल डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने तरीकों से, नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस सिस्टम विल एक्वायर द एनर्जी, दैट विल बी ये एनर्जी एक तो ये भी लेगा, ये एनर्जी ये भी लेगा, ये एनर्जी ये वाला भी लेगा और ये एनर्जी ये भी एक्वायर करेगा। सो हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज दिस पार्टिकल इज एक्वायरिंग दिस एनर्जी, देयर आर 4 वेज, देन दिस नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस डायनेमिकल सिस्टम, ओके, डायनेमिकल सिस्टम मींस अ बॉडी विच अ पार्टिकल विच कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ प्लेन और इन अ स्पेस। नाउ दिस पार्टिकल can acquire this energy in how many ways? 4 ways. Then I can say that this particle or this dynamical system has, yes, how many degrees of freedom? It has 4 degrees of freedom. ये मैंने एक example दे दी आपको समझाने के लिए। So what do you mean by degrees of freedom? Usually हम कहते हैं these, it gives us the number of coordinates required to specify the position and configuration of a dynamical system. किसी system को जानने के लिए, उसकी position को locate करने के लिए, उस system की configuration जानने के लिए कितने coordinates की जरूरत है, that is known as that gives us degrees of freedom. But काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिहाज से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो मीनिंग है, द मोर एप्रोप्रिएट मीनिंग इज दैट इट गिव्स अस और इट इज द नंबर ऑफ वेव्स बाय विच अ डायनामिकल सिस्टम can acquire energy, can acquire the energy. Is that clear? कितने तरीकों से, जैसे मेरे पास
लाइक आई हैव 1000 rupees. नाउ मैं कितने तरीकों से इस 1000 रुपए को खर्चा सकता हूं? That will give me the degrees of freedom. यानी कि मान लो मैं इन 1000 rupees में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं ला सकता हूँ, मुझ में कितने डिग्रीज है. लाइक मैं इस 1000 रुपए में रोटी ला सकता हूँ, इस 1000 रुपए में मैं लाइक ब्रेड और मिल्क समथिंग एल्स आई कैन टेक आई कैन बाय, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आई कैनॉट बाई विद दिस 1000 rupees. सो दैट मीन्स कितने तरीकों से मैं इस 1000 रुपए को खर्चा सकता हूँ. देखो मान लो 3 तरीके हैं. एक तो दूध ला सकता हूँ, रोटी ला सकता हूँ फॉर इंस्टेंस, ओके, और लाइक वेजिटेबल या कुछ ऐसा कुछ लाना है. तो 3 तरीकों से मैं इस 1000 रुपए को खर्चा सकता हूँ. सो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट हैज? 3. अच्छा, मेरे पास 10000 रुपए हैं, मैं इन 10000 रुपए में क्या क्या कर सकता हूं? मुझे घर में पहले ही कहा गया है यू कैन डू वन थिंग. आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें एक तो आप ग्रोसरीज ला सकते हो, आप वेजिटेबल्स या आप मिल्क लाओगे, और आप एक और चीज है जो आप ला सकते हो. सपोज देयर आर 3 things विच यू कैन बाई from this 10000 rupees. So मुझे पहले ही restriction रखी गई. So how many degrees of freedom I have? I have only 3 degrees of freedom because I have only 3 ways by which I can utilize this money. So कितने तरीकों से मैं अपने पैसों को utilize कर सकता हूँ? That will give me the degrees of freedom. Same is the case for the particle or dynamical system. अगर मैं इस dynamical system को energy दे रहा हूँ, एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, अब ये इस एनर्जी को कितने तरीकों से एक्वायर करेगा, क्या क्या ये इस एनर्जी को कर सकता है, ये एनर्जी किस किस में ये यूटिलाइज कर सकता है, दैट विल गिव यू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. समझ आया? मुझे पैसे 10000 रुपए, मैं किस किस तरीके से इसको खर्चा सकता हूं. मुझे घर में पहले कहा गया इसमें ये ए लाना, बी लाना, सी लाना, डी नहीं लाना, ई नहीं लाना, एफ नहीं लाना, A item, B item, C item लाना है. So what does that mean? How many degrees of freedom I have? I have only 3 degrees of freedom. So now, अब अगर actual में बात करें, जैसे हमारे पास gas molecules हैं, like we have monoatomic gas. अब अगर पहले एक general formula की बात करें, जिससे बेटा आप degrees of freedom निकाल सकते हो. It is degrees of freedom is represented by F. It is equal to 3 times A minus R. Listen, A is number of atoms, R is number of independent relations. Relations hai, but independent. So, इस फॉर्मूला से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो. लेकिन मैं दोनों व्यूज आपको दे दूंगा. एक तो मैं ज्योमेट्रिकल व्यू भी बताऊंगा कि कैसे किसी पर्टिकुलर सिस्टम में पर्टिकुलर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और इस फॉर्मूला से भी हम देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मोनोएटॉमिक गैस. यू नो मोनोएटॉमिक गैस इज व्हाट? अ गैस व्हिच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल एटम. लाइक यू हैव हीलियम. Helium gas, it is made up of single atom. So you have helium. Okay. It is a gas atom. It is an atom. Now it is monoatomic. Ab mujhe batao, is formula ke lihaz se, iske kitne degrees of freedom aayenge? Shabash, 3 times number of atoms of this gas, it is 1. And number of independent relations, it doesn't have the relation with any other atom. That is 0. So according to this formula, मोनोएटॉमिक गैस के बेटा कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गए? 3. बट ज्योमेट्रिकल बेसिस पे मैं आपको इसको समझाऊंगा. ज्योमेट्रिकल बेसिस पे क्या मतलब हुआ? यानी कि ये गैस एटम, ये हीलियम एटम कितने तरीकों से इस एनर्जी को एक्वायर कर सकता है? 3 तरीकों से. यानी कि देखो क्या क्या करेगा बेटा. ये एक एटम है, इट कैन मूव लीनियरली अलोंग एक्स, सो इट विल हैव translational kinetic energy along x. It can move linearly along y, so it has a translational kinetic energy along y. It can also move along z linearly, so it has translational kinetic energy along z. So that means, पहले ये बात है कि पहले जो आप energy दे रहे हो
तीन तरीके तो हैं यहां पे जिससे ये एक्वायर करेगा। अब आप कहोगे सर रोटेशन है इसमें, देखो मेरी बात सुनो, दिस हीलियम एटम एज फार एज दिस हीलियम एटम इज कंसर्न, और ये जो गैस के जो एटम्स हैं दे आर पॉइंट मासेस, दे बिहेव एज पॉइंट मासेस बिकॉज देयर साइज इज सो मच स्मॉल। और अगर आप इस एटम के थ्रू एक एक्सिस डालोगे, मान लो मैंने ऐसे एक्सिस डाली एक्स एक्स डैश, तो ये जो एक्सिस है ये किसके थ्रू जा रही है, पॉइंट मास के थ्रू। तो आप ये पॉइंट फिलहाल याद रखना, बाद में रोटेशनल मैकेनिक्स में हम वो पढ़ेंगे। वो एक्सिस जो एक पॉइंट मास के थ्रू जाएगी वहां से रोटेशनल मोशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है, यानी कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। दैट मीन्स इट डज नॉट हैव रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, दैट इज जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इज जीरो। सिमिलरली अगर वाई से भी एक्सिस डालोगे वो भी किसके थ्रू पास होगी, पॉइंट मास के थ्रू, और वो एक्सिस जो पॉइंट मास के थ्रू जाएगी वहां से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी नहीं होगा। सो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट हैज, 3। यानी कि अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दे रहा हूं ये कितने तरीकों से उस एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, ओनली 3। इट कैन एब्जॉर्ब दिस एनर्जी इन 3 वेज, इट कैन एक्वायर दिस एनर्जी इन 3 वेज, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स, translational kinetic energy along y, translational kinetic energy along y, not rotational, it does not have rotational, it is rotational kinetic energy has no significance, is that clear? So this is how monoatomic gas possesses 3 degrees of freedom. Let us move to the diatomic. Dekho beta, you know diatomic gas, let us take oxygen, it is made up of टू एटम्स। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इनको इस बॉन्ड को स्प्रिंग से दिखा रहा हूँ, देयर इज अ रीजन। लिसन, आप मुझे बताओ ये क्या क्या कर सकता है, कितने तरीकों से एनर्जी एक्वायर कर सकता है। ये भी बेटा, ये जो एटम, ये मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक गैस है, इट कैन गो अलॉन्ग एक्स, इट कैन गो अलॉन्ग वाई, इट कैन गो अलॉन्ग जेड लीनियरली, दैट मीन्स इट हैज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स, इट हैज translational kinetic energy along y, it has translational kinetic energy like this, take this as oxygen atom, oxygen atom, this is a bond, it can go along x, it can go along y, it can go along z, so it has translational kinetic energies along 3 axes, aur uske sath sath agar aap iske through koi axis daloge, you know wo axis jo point mass ke through jayegi wahan se koi rotational kinetic energy nahi hai, lekin aap in एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसके थ्रू एक एक्सिस ऐसे डाल सकते हो ना बेटा, लेट आई नेम इट एज वाई वाई डैश। तो बेटा क्या होगा, जब मैं यहां पे एक्सिस रखूंगा दे कैन रोटेट लाइक दिस, इजंट इट। सो एक आ गया रोटेशनल, एक क्या आ गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स, और क्या आ गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग वाई, और translational kinetic energy along z. In addition to that, it has also rotational kinetic energy along y y dash. Aba bologe sir ye kaise zero kyun nahi hai, because this axis is not going through the point mass, that axis which is going through the point mass wahan se koi rotational significance nahi hai, lekin aapne aise axis dali, aap aise bhi dal sakte ho na, meri aur dekho out of the plane like this, जब आप ऐसे एक्सिस डालोगे ये ऐसे घूमेगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा लाइक दिस। सो आप इसको आउट ऑफ प्लेन भी एक एक्सिस डाल सकते हो, नेट आई नेम इट एज जेड जेड डैश, तो वहां से भी इसकी ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सो इट हैज ऑल्सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग जेड जेड डैश। तो कितने तरीकों से ये ऑक्सीजन एटम अपनी एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, 5 तरीकों से, क्या क्या कर सकता है ये, इसको थोड़ा सा इसकी इस जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उससे इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स बढ़ सकती है, अलॉन्ग वाई भी बढ़ेगी, अलॉन्ग जेड भी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ जाएगी अलॉन्ग वाई वाई डैश एंड अलॉन्ग जेड जेड डैश। बट वाई नॉट अलॉन्ग एक्स एक्स डैश, वाई नॉट दिस एक्सिस,
because this is the axis which is passing through the point masses, and the axis which is passing through the point masses, along that axis there is no rotation, there is no significance of rotational motion, kyunki wahan se moment of inertia zero hai. To kitne degrees of freedom aa gaye? 1, 2, 3, 4, 5. So diatomic gas has 5 degrees of freedom. Lekin beta aap usko formula seedhi kar sakte ho. Formula kya hai? F is equal to 3a minus r. Okay, 3. Number of atoms in diatomic, it is 2. Number of independent relations, it is 1. Okay, ek straight line daalo, ek independent relation in mein aa rahi hai, that is 5. So, is formula se bhi, इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए? 5. तो इसका मतलब हुआ ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसको मैंने कुछ पैसे दिए और ये इन पैसों को कितने तरीकों से खर्चा सकता है? 5 तरीकों से. या मैंने इसको कुछ एनर्जी दी, ये कितने तरीकों से इस एनर्जी को एक्वायर कर सकता है? 5 वेज. कैसे? Translation, it can acquire this energy in the form of translation kinetic energy along x, along y and along z. And in addition to that, it can also acquire this energy in the form of rotational kinetic energy along the axes yy dash and along the axes zz dash. Ye aise tha na atom, ek to ye wali axis maine use ki, yy dash, it can rotate like this. Aur kaun si axis use ki? Aur beta ye ki na use, it can go along this. Ye wali use kar sakte ho? Ye wali use hum नहीं कर सकते क्योंकि दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट मासेस और वहां से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा. सो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गए इसके? 5. देन सिमिलरली यू कैन गो टू द ट्राइएटॉमिक गैस. ट्राइएटॉमिक का खुद कर सकते हो आप. ट्राइएटॉमिक के दो केसेस हैं. ट्राइएटॉमिक गैस कैन बी लीनियर, इट कैन बी नॉन लीनियर. ठीक है, लीनियर अगर होगा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज लीनियर. नाउ बेटा फिर से क्या क्या कर